समिति की दूसरी मासिक बैठक संपन्न हुई, जहां विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई। मौके पर प्रमुख निवारा सिंह ने पहली बैठक में लिए गए प्रस्ताव पर अमल नहीं किए जाने पर नाराजगी जताई। कहा कि पंचायत समिति की यह दूसरी बैठक है, पहली बैठक में लिए गए कुछ प्रस्ताव पर एप्लीमेंट हुआ जबकि कुछ पर नहीं हुआ है। हम यहां से एप्लीमेंट लेकर जिला में उसे समाधान करने हेतु भेजा जाता है। अगर बैठक में लिया गया प्रस्ताव पर 100% अमल नहीं हुआ तो अगले बार से उग्र आंदोलन जैसा स्थिति होगा। बैठक का बहिष्कार नहीं करेंगे, जो पदाधिकारी हर समय चाहता है कि बैठक का बहिष्कार हो ताकि वे अपने जिम्मेवारी से भाग सके। आगे उन्होंने कहा कि चंदनकियारी प्रखंड के विद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी, यहाँ विद्यार्थियों के अनुपात में शिक्षकों की कमी है। जिला पदाधिकारियों से इस खाई को कम करने का आग्रह किया जाता है ताकि यहाँ के बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। वहीं बाल विकास परियोजना पर समीक्षा करते हुए कहा कि चंदन क्यारी के अधिकतर आंगनबाड़ी सेंटर बंद रहता है। जब पोषाहार की राशि देने का समय होता है तो कार्यालय में काफी संख्या में सेविकाओं को देखा जाता है, लेकिन जब सेंटर पर जय जाता है तो देखते हैं कि सेंटर बंद रहता है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने साफ तौर पर CGPO को हिदायत देते हुए कहा कि अगर बच्चों के निवाला किसी के द्वारा छीना जाता तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे सेविका एवं विभाग के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने को लेकर लिखा जाएगा। साथ ही उन्होंने दाखिल खारिज के मामले में भी गंभीर देखे। उन्होंने बताया कि हमारे पड़ोसी प्रखंड चास में कैंप लगाकर दाखिल खारिज किया जा रहा, तो चंदन क्यारी में क्यों नहीं हो सकता है। एक प्रमुख जी, एक सवाल है, यहाँ पर पंचायत प्रखंड के बहुत सारे लोग दाखिल खारिज के लिए आते हैं और घूम जाते हैं, उनको काफी तकलीफ दिया जाता है, बार बार घूम के जाते हैं, मगर ये सुनवाई नहीं होता है। बार बार इस विषय में बोल रहा हूँ और आपका माध्यम से भी बोलना चाहता हूँ कि मेरा चंदन क्यारी प्रखंड में दाखिल खारिज का बहुत ही अभाव है। यहाँ अब CO साहब को मैं आपका माध्यम से बोलना चाहूँगा कि वो दो प्रभार लेके बैठे हुए हैं, एक MO का आपूर्ति विभाग का और एक CO का। हम जब भी बोलने जाते हैं तो बोलते हैं स्टाफ का कमी है। तो हमारे ही पड़ोसी क्षेत्र है आपका चास प्रखंड में कैंप के माध्यम से हो रहा है, मेरा चंदन क्यारी प्रखंड में क्यों नहीं हो रहा है। मैं इस आपका माध्यम से जिला को अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारे चंदन क्यारी प्रखंड में भी कैंप लगा के इसका निष्पादन किया जाए। बहुत ही गरीब आदमी फसल बीमा योजना भर नहीं पाएंगे, उन लोगों को लाभ नहीं मिलेगा। अभी तो इन लोग बोल रहे हैं कि ऑनलाइन कर दीजिए, आप लोगों को लाभ हम लोग देंगे, लेकिन लास्ट में देखिएगा कि ऑनलाइन रसीद नहीं रहने के कारण इन लोगों को लाभ नहीं मिल पाएगा। 6 महीने का आंकड़ा तैयार किया जाए। मैं इसमें आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूँगा कि तकनीकी कारण कुछ नहीं है, इन लोगों का मन नहीं है। इन लोग मन बनाए हुए हैं कि हम लोग चंदन क्यारी का दाखिल खारिज या ऑनलाइन नहीं करेंगे। हम आपका माध्यम से भी हम बोलने चाहते हैं सब ऑपरेटर को, आपका सैयद बोल के कि यहाँ ऑपरेटर बैठा हुआ है, वो तो कहाँ भिलोर ना कहाँ गए हैं इलाज के लिए। जब भी बोलते हैं तो बोलते सैयद नहीं आएगा तो वो लॉगिंग नहीं खुलेगा। तो जब तक वो बोल रहे हैं कि जब तक वो नहीं आएगा उसका लॉगिंग नहीं खुलेगा, ऑनलाइन नहीं हो रहा है। तो ऑनलाइन नहीं होने के कारण यही है कि मेरा चंदन क्यारी प्रखंड बहुत ही पिछड़ा प्रखंड हो गया है और चंदन क्यारी में ऑनलाइन का और दाखिल खारिज का कुछ काम नहीं हो रहा है। और मैं आपके माध्यम से जिला को अवगत कराना चाहता हूँ, आप लोग मीडिया हैं, बढ़िया से छापिए, इसको जिला तक भेजिए। प्रमुख जी, दाखिल खारिज केवल गरीबों के लिए नहीं हो रहा है ना, बाकी अच्छा अच्छा जमींदार के लिए चल रहा है, किसी के लिए नहीं, बाकी के लिए रुका हुआ है, गरीबों के लिए रुका हुआ है, गरीब के लिए ही नहीं बाकी सब के लिए ही समस्या है। हम तो देख रहे हैं कि किसी का नहीं हो रहा है, गरीब नहीं सबका, सिर्फ किसी का नहीं सबका। देखिए हम लोग पंचायत समिति की बैठक हमारी पर मंथ होती है, हमारे प्रखंड स्तर में हम लोग प्रस्ताव देते हैं, प्रस्ताव का इम्प्लीमेंट जिला के माध्यम से किया जाता है। तो कुछ इम्प्लीमेंट हुआ, कुछ हुआ और कुछ से हम लोग नाखुश हैं। और आपका माध्यम से मैं, आप तो मीडिया के माध्यम से, आप लोग का माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि हमारे प्रखंड स्तर में जो भी हम लोग प्रस्ताव देते हैं उसका इम्प्लीमेंट कल जिला में बैठक था, हम जिला परिषद में भी बोल के आए हैं कि मैडम, जिला परिषद के अध्यक्ष मैडम थी, उपाध्यक्ष मैडम थे, वहाँ जिला आपके DDC मैडम थी, वहाँ बोले हैं कि जो हम लोग प्रखंड में प्रस्ताव लेंगे उसका जिला में इम्प्लीमेंट होना चाहिए और इम्प्लीमेंट के आधार पर हमारे प्रखंड में उसको पारित करके हमारे पंचायत समिति को संतुष्ट करना आपका जिला का और प्रखंड का दायित्व बनता है, उसके बाद प्रमुख का दायित्व बनता है। तो हम प्रमुख होने के नाते मैं आप लोगों का माध्यम से कहना चाहूँगा
कि हमारे पंचायत समिति में जो भी हम लोग प्रस्ताव लिए हैं, एक बार हम लोग का पहला बैठक था, ये हमारा दूसरा बैठक है। अगर तीसरा बैठक में हम लोग का इम्प्लीमेंट नहीं होता तो प्रखंड में हम लोग बैठक जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होगा, जो उसको हम लोग प्रस्ताव में लिए हैं तब तक हम लोग बैठक को बहिष्कार करेंगे। और बैठक बहिष्कार करेंगे नहीं, हम लोग इन लोग तो चाहते हैं कि बैठक बहिष्कार हो, और वहाँ हम लोग जोर शोर से पूरा बहिष्कार करेंगे बैठक को कि हमारे जिला तक इसका आवाज जाए। और किस विषय पर नहीं हुआ विषय? देखिए, हम लोग थोड़ा विषय में हुआ है, कुछ विषय पर नहीं हुआ। जैसे हम लोग जानना चाहते थे कि हमारे अभी सुखाड़ क्षेत्र हमारे बोकारो जिला को घोषित किया गया है, सुखाड़ का चपेट में है। अब हमारे फसल बीमा का जो भी आपका ऑनलाइन प्रक्रिया है, ऑनलाइन हो रहा है, तो उसमें फॉर्मेट में दिया गया है मुखिया ऑब्लिक वार्ड मेंबर ऑब्लिक मुखिया। तो हम लोग चाहते थे और आप लोग का माध्यम से जिला को अवगत कराना चाहेंगे कि उसमें पंचायत समिति का भी भागीदारी हो, हमारे पंचायत समिति का भी अनुशंसा चाहिए। जब हमारे पंचायत समिति का अनुशंसा आप हर चीज़ में लेते हैं, जो आपका पीएम आवास होता है उसमें हमारे पंचायत समिति का अनुशंसा लेते हैं, तो इसमें भी सुखाड़ में भी पंचायत समिति का अनुशंसा हो और हमारे पंचायत समिति उसमें अनुशंसा करे। हाँ, बात नहीं है, हम तो लिए हर निर्णय मेरे पंचायत समिति का माध्यम से, जो भी निर्णय लिया गया, जो पंचायत समिति प्रस्ताव लिए उसका इम्प्लीमेंट तो हमारे प्रखंड में कुछ हुआ है। एक बार में नहीं होगा, मैं आपका माध्यम से कहना चाहूँगा कि एक बार में हर चीज़ नहीं होता है। हम जिला का भी बैठक में गए हैं, वहाँ भी प्रस्ताव लेते हैं, हम लोग सब परेशान हैं, जिला परिषद भी परेशान है, हम प्रखंड के प्रमुख भी परेशान हैं। लेकिन हमने आपके माध्यम से भी, मैं हमारे बॉडी हैं BDO साहब CO साहब हमारे अंचल के हैं, मैं उनको आपके माध्यम से भी अवगत कराना चाहूँगा और कहना चाहूँगा कि आप हमारे बॉडी हैं, आप हमको साथ दीजिए।